नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि अपने मोबाइल के स्क्रीन को आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में कैसे शेयर कर सकते हैं, वो क्या तरीका है इसके थ्रू मोबाइल की चीज़ों को, मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को या मोबाइल के किसी पर्टिकुलरली वीडियो को, या अगर मैं कहूँगा समूचा मोबाइल को आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में डिवाइस है उसको कैसे शेयर कर सकते हैं, क्या कैसे साझा कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा। तो चलिए इसका प्रोसेस मैं बताता हूँ आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आप ब्राउजर में एक चीज टाइप कीजिए, मोबाइल पीसी। बेसिकली ये क्या है, तो मोबाइल टू पीसी एक तरीके का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब आप इसको इंस्टॉल करने कर लेंगे उसके बाद आपको इसको अलाउ करना है। आपको अपना मोबाइल के स्क्रीन को या मोबाइल को मिरर करने के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को दूसरे डिवाइस में आप देख सकते हैं या आप मोबाइल की स्क्रीन को साझा कर सकते हैं। उसके पहले एक चीज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यह होगा कैसे। तो इसके लिए क्या है कि पहले एक रिक्वायरमेंट क्या है, पहली जो और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपका मोबाइल का नेटवर्क और जो दूसरा आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप का नेटवर्क एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मान के चलिए कि अगर आप मोबाइल को अपने एक हॉटस्पॉट से या किसी वाईफाई जोन से, एक्स वाईफाई जोन से या एक्स हॉटस्पॉट से आप कनेक्टेड है मोबाइल को, तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप भी उसी वाईफाई जोन से कनेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहूँ, सीधी भाषा में कहूँ, तो मोबाइल का नेटवर्क, जो नेटवर्क का मतलब इंटरनेट नेटवर्क, तो मोबाइल का नेटवर्क और आपके जो दूसरे लैपटॉप या डेस्कटॉप का नेटवर्क एक ही होना चाहिए, तभी आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। तो मैंने अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को, मोबाइल टू पीसी स्क्रीन मिररिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करता है। तो मैं एक टैब ओपन करता हूँ। इसके पहले मैंने अपने मोबाइल में जो आपकी एप्लीकेशन थी, मोबाइल टू पीसी एप्लीकेशन, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने का मतलब थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं एक यूआरएल या अगर दूसरी भाषा को एक आईपी को मैं टाइप करूंगा ब्राउजर में, जो गूगल क्रोम मैंने ओपन किया है, HTTP, कॉलन शिफ्ट दबा करके आपको डबल डॉट करना है, उसके बाद ये करना है, फिर आपको एक आईपी टाइप करनी है। उस आईपी को जैसे कि आप देख पा रहे हैं 192.168.43.1, कॉलम शिफ्ट दबा के फिर हमको 8080 करना है, 8080। उसके बाद फिर से आप देख लीजिए http://192.168.43.1:80। ये जरूरी नहीं है कि ये जो आईपी अभी आपको मैं लैपटॉप में या अपने जो लिख रहा हूँ लैपटॉप के ब्राउजर में लिख रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप जब भी इसको यूज करें तो आप में भी सेम आईपी दिखे। आपके केस में ये दूसरी आईपी होगी, इसलिए कि हर एक मोबाइल का नेटवर्क अलग होता है, हर एक मशीन का अपना आईपी होता है, उस आईपी के बेसिस पर ये काम करता है। उसके बाद मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये जो मोबाइल का स्क्रीन, मेरे मोबाइल के स्क्रीन में ये चीजें आपको दिख रही हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें मेरे मोबाइल में देखा URL 192 के नीचे पिन लिखा हुआ है, ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है। नीचे स्टॉप मिररिंग है, इसका मतलब कि अभी अगर मैं स्टॉप मिररिंग कर दूंगा तो ये मिररिंग जो मोबाइल के स्क्रीन को आप डेस्कटॉप में देख पा रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, स्टार्ट मिररिंग कर देंगे। स्टार्ट मिररिंग में हमको ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दूसरी चीजें, ये मेरे मोबाइल के सारी स्क्रीन को मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ,
चला रहा हूँ, सबको देख पा रहा हूँ, आप से मेरे सारे पीछे सारे एप्लीकेशन है आपको इसके अंदर दिख रहे हैं, चाहे मेरा जीमेल का अकाउंट हो, मेरे ड्राइव हो, कुछ भी मोबाइल के अंदर कुछ भी आप चीज करेंगे, सब कुछ आपका स्क्रीन जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ऐसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि केवल आप इसके स्क्रीन को ही दिखा सकते हैं, कोई साउंड की चीजों को आप इसमें नहीं दिखा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं YouTube का एक वीडियो आपको दिखाऊं, तो मैंने का भी एक पिन किया कभी, और साइंस की वो साइंस एक्सपेरिमेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट में बहुत सी चीजें आपको दिखा, किसी चीज आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते, साउंड नहीं आएगा। अच्छा, इसको हमने कैसे इंस्टॉल किया, तो मैंने इसको बंद कर दिया और मैं मोबाइल में, आपको जब आप जब यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां पर टाइप करेंगे मोबाइल, सिंपल सा आप मोबाइल टू पीसी भी आप कर सकते हैं, मोबाइल टू पीसी आप टाइप कर दीजिए, और जो सबसे पहला आएगा जो रेड कलर का देख पा रहे हैं मोबाइल टू पीसी स्क्रीन मिररिंग, ये जैसे मेरे में इंस्टॉल है, आप इसको करके आप तो देख सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, वहां से मैंने अभी आपको दिखाया कि कब ओपन करके कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो ऐड आते रहते हैं तो ऐड आपको बंद करना। अब यहां से अगर मैं स्टॉप मिररिंग कर दूं तो हमारा जो मोबाइल जो अभी आप लैपटॉप में डेस्कटॉप में देख पा रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे। मैं इसको स्टॉप मिररिंग कर देता हूँ, स्टॉप मिररिंग कर दिया तो अब आ रहा है प्रेस स्टार्ट मिररिंग ऑन डिवाइस। अब मैं इसको प्रेस स्टार्ट मिररिंग अपने, क्योंकि मेरे मोबाइल के डिवाइस को आप नहीं देख पा रहे हैं, तो स्टार्ट मिररिंग कर रहा हूँ, उसके बाद ये कहेगा कैंसल और स्टार्ट नाउ, मैंने कहा स्टार्ट नाउ, तो जैसे स्टार्ट करो फिर आप इस चीज़ को मेरे मोबाइल के देख पाएंगे। इसके तरीके, इस तरीके से आप अपने डिवाइस, सर ये है आपके मोबाइल का नेटवर्क और लैपटॉप या डेस्कटॉप का नेटवर्क एक ही होना चाहिए। आप यहाँ से इसको मैंने स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दे रहा हूँ, तो मेरा ये मिररिंग क्लोज। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसके थ्रू आप अपने मोबाइल की के स्क्रीन को आप लैपटॉप में डिवाइस में या डेस्कटॉप में साझा कर सकते हैं।